आज हम देखेंगे निम्नलिखित को घातांकी रूप में लिखिए, ये आपका गुणे के रूप में, किस रूप में? गुणे के रूप में। इसको हमको घात के रूप में बनाना है, और उसके बाद से हमारा गुणे के रूप में है तो घात के रूप में बनाना है, और घात के रूप में है तो गुणे के रूप में बनाना है। तो हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है सी इंटू सी इंटू डैश डैश 5 बार। कितनी बार? 5 बार। मतलब सी कितनी बार है? 5 बार है। तो घात का मतलब क्या होता है? जिस जो अंक जितनी बार होता है उस पे उतना घात होता है। जैसे सी कितनी बार है, लिखेंगे सॉल्व। सी कितनी बार है? 1 2 3, मतलब ऐसे करके 5 बार है। तो सी पे 5 घात हो जाएगा। सी पे कितना घात हो जाएगा? 5 घात हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। सी इंटू सी इंटू सी डैश डैश 5 बार, मतलब जितनी बार होता है उस अंक पे उतना घात हो जाता है। दूसरा हम देखते हैं, 5 इंटू a इंटू a इंटू b इंटू b इंटू b। इसमें 5 कितनी बार है? 1 बार है, तो हम 5 1 बार लिख देंगे। इसके बाद से हम देखेंगे a कितनी बार है? 2 बार है। a कितनी बार है? 2 बार है। तो जो अंक जितनी बार होता है उस अंक पे उतना घात होता है। तो a पे 2 घात, a पे 2 घात। फिर b कितनी बार है? 1 2 3। तो b b पे कितना घात हो जाएगा? 3 घात हो जाएगा। मतलब 5a² b³, 5 इंटू a इंटू a इंटू b इंटू b इंटू b। तो इसको हमको घातांकी रूप में लिखना था, तो 5 1 बार है तो 1 बार लिख लिए। a कितनी बार है? 2 बार, तो a पे 2 घात। b कितनी बार है? 3 बार, तो b पे कितना घात हो जाएगा? 3 घात हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा 7 इंटू 7 गुणे 7 गुणे 7, मतलब 7 3 बार है। 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 कितनी बार है? 3 बार, 1 2 3। 1 7 लिख लेंगे, उस पे उतना घात कर देंगे। 7 पे कितना घात हो जाएगा? 3 घात होगा, क्योंकि 7 कितनी बार है? 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, t इंटू t इंटू y इंटू y, t कितनी बार है? 2 बार, तो t पे कितना घात हो जाएगा? 2 घात हो जाएगा। y कितनी बार है? 2 बार, तो y पे कितना घात हो जाएगा? 2 बार। बस यही हमारा क्या है आंसर, घातांकी रूप। अब इसके बाद से हम देखते हैं, निम्नलिखित को गुणा के रूप में लिखिए। अब ये हमारा घात के रूप में दिया हुआ, किस रूप में दिया हुआ? घात के रूप में दिया हुआ। इसको गुणा के रूप में बनाना है। इससे पहले दिया था गुणे के रूप में, और क्या बनाना था? घात। ये हमारा क्या दिया हुआ? घात के रूप में। इस रूप में बनाना है, गुणा के रूप में, गुणा के रूप में। तो ठीक है, हम उसी प्रकार देखेंगे, ए पे कितना घात है? 2। ए पे कितना घात है? 2 घात। तो ए का गुणा 2 बार होगा। ए का गुणा कितनी बार होगा? 2 बार, 1 गुणे a। फिर b कितनी बार है? 2 बार, इंटू b गुणे b। मतलब जिस पे जितना घात होता है उस अंक का उतनी बार गुणा करते हैं। a पे कितना घात है? 2 घात। a का गुणा कितनी बार करेंगे? 2 बार। b पे कितना घात है? 2 घात, तो b का गुणा कितनी बार करेंगे? 2 बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9a bq, 9a b पे 3 घात, 9 कितनी बार है? 1 बार, तो 9 एक बार लिख देंगे। गुणे a कितनी बार है? 1 बार, तो a लिख देंगे। इनटू b कितनी बार है? 3 बार, तो b कितनी बार लिख देंगे? 3 बार, b इनटू b इनटू b। देखिए 9 एक बार था, तो 9 एक बार लिख दिए। b a पे कितना घात है? 1 ही घात है। जब कोई घात नहीं होता कितना घात होता है? 1 घात। तो यहाँ पे 1 घात है, तो ये b पे 3 घात है, तो b का गुणा 3 बार। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10x³y³z³, 10x³y³z³, 10 कितनी बार है? 1 बार, 10 लिख लेंगे। उसके बाद से हमारा एक्स क्यूब है, तो 10 इंटू x 3 बार है, तो x इंटू x
फिर y कितनी बार है? तीन बार। y into y, उसके बाद से z कितनी बार है? तीन बार। तो z into z, tan हमारा एक बार था, एक बार लिखे। x पे कितना घात है? तीन घात, तो x तीन बार लिखे, एक दो तीन। मतलब जिस अंक पे जितना घात होता है उस अंक का उतनी बार हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो x पे तीन घात तो x का तीन बार गुणा, y पे तीन तो y का तीन बार, z पे तीन घात था तो z का तीन बार गुणा कर दिया। इसी प्रकार से हम देखते हैं निम्नांकित को घातांक के रूप में लिखिए। a into a dash 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 n बार, ये कितनी बार है? n बार। बताया नहीं है कि 10 बार है या 20 बार है या 30 बार है, बताया n बार है। मतलब n, a पे n घात हो जाएगा, a पे कितना घात हो जाएगा? n घात, a पे n घात। अगला देखते हैं b into dash 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 n बार, b कितनी बार है? n बार है, कोई संख्या नहीं है, इस पे हम कर देंगे b पे n। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा दिया हुआ 3 into 3 into 4 into 4 into a into a, 3 कितनी बार है? 2 टाइम। तो 3 square into 4 कितनी बार है? 2 बार। ये कितनी बार है? 2 बार ये स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखते हैं a into s into t into t, ये कितनी बार है? एक बार, a यस एक बार है तो यस, और t कितनी बार है? दो बार, तो t स्क्वायर। एक बार और हम देखते हैं, जब हम गुणा करते हैं तो घात जुटता है, जब हम गुणा करते हैं तो क्या जुटता है? घात जुट जाता है। अच्छा, हम जोड़ते घटाते हैं तो उसका गुणांक जुटता है। जैसे कि एक एग्जांपल देखेंगे, 5x plus 3 है, यहां भी x है और यहां पे भी x है, यहां पे भी x है और यहां पे भी x है, तो इसका घात से हमसे कोई मतलब नहीं होता। घात क्या? x सेम है तो इसमें घात नहीं जुटता है, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। तो जब हम जोड़ते हैं तो गुणांक जुटता है। x का गुणांक यहां पे कितना है? 5, और इसका गुणांक कितना है? 3। तो 5 3 मिलके कितना आ जाएगा? 8x। तो मतलब जब हमारा जोड़ते घटाते हैं तो गुणांक जुटता घटता है, लेकिन जब हम गुणा करते हैं तो क्या जुटता है? घात जुटता है।